आ गए, वीडियो पूरी देख के जाना। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और प्रॉब्लम के बारे में जिसे मैं फेस कर रहा हूँ। तो कई दिनों से मैं अपनी जो ये की है जो मेरे को एंटवर्क के साथ मिली है, इससे अपना लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था, तो मेरा लॉक खुलता नहीं था और ना ही इसका जो इग्निशन स्विच है वो ऑन होता था। तो मैंने काफ़ी दिन ट्राई करा तो मेरी जो चाबी थी ये अंदर ही अड़ जाती थी, और आप जितना भी इसको प्रेशर लगा के इसको अंदर घुमाने की कोशिश करो तो ये घूमती नहीं थी। तो एट द एंड मुझे जो नॉर्मल चाबी वाले होते हैं उनके पास जाना पड़ा और मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा आपको नई चाबी बनानी पड़ेगी, ये जो आपकी चाबी है ये घिस चुकी है। तो ये आप दे सकते हैं। उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ ये चाबी तो घिस चुकी है। और ये मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ जो इसकी ही की है, और ये मैं यूज़ नहीं करता था, ये खाली मेरे घर पर पड़ी रहती थी। तो आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, और ये जो की है घिस गई है, आप इसकी भी कंडीशन देख सकते हैं। तो इसकी वजह से मेरे को एक नई की बनानी पड़ी जो कि मैंने ये बनवाई है, और इसको बनवाने में मुझे 50 रुपये का खर्चा है। और अब ये इसमें सही फिट हो रही है और आपका ऑन ऑफ भी हो रही है, तो ठीक है। अब मैं इससे मेरा काम चल रहा है, पर मैं एक टीवीएस वालों को एक अपनी तरह से सजेशन देना चाहूँगा कि यार अगर आप इतनी महंगी स्कूटी बेच रहे हैं और अगर आप अपने आप को इंडिया की नंबर वन कंपनी कहते हैं, तो क्या अच्छा लगता है आप उसके साथ एक ऐसी की देते हैं जो एक साल में ख़राब हो चुकी है। टीवीएस को इसके बारे में सोचना चाहिए। एक कंपनी का मेन मोटिव ये होना चाहिए कि उसके जो कस्टमर है वो उससे खुश रहें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।